हैंडल से मेरा यहाँ पे आवाज़ आ रहा था, तो इसको जाम कराएं तो काफ़ी ज़्यादा जाम कर दिया बंदा, तो इस कारण से थोड़ा सा टाइट लग रहा है हैंडल। हेलो, वाह आशीष ना रेस लगाने के मूड में बंदा। ये देखो अगला यार, ये देखो भाई क्या सीन चल रहा है, ये देखो। तो फाइनली गाइस यहाँ पे रुके थे और यार बाइक का जो मोबिल वगैरह था वो चेंज करा रहे थे, तो कंफर्म सब हो चुका है, डन वगैरह हो चुका है, चेन वगैरह यार क्लीन हो चुका है, तो हैंडल में थोड़ा सा काम था ये भी हो चुका है। और आशीष जो है वो काफ़ी देर से वेट कर रहा है यार पाथरोल में, तो अभी चलते हैं फिलहाल उसके पास और टाइम एक बार चेक करें। 3:47 हो चुका है भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं यार किधर का प्लानिंग वगैरह रहता है राइड को जाने का। और ललन देखो ये मेरे साथ में है, ये देखो अंकल को, यही लोग के कारण से ओवरटेक नहीं कर पाते हैं भाई। यार अंकल लोग के सामने में अगर कट वगैरह मारते हैं ना तो बंदा यार डर जाता है, क्या बोले। अब क्या करें, साइड वगैरह देगा नहीं तो कट तो मारना ही पड़ेगा भाई। और भाई जो खींचने में मजा आ रहा ना वो क्या बोले, पूरे के पूरे नेक्स्ट लेवल का मजा आ रहा है, क्योंकि मोबिल वगैरह चेंज वगैरह करा लिए ना। भाई देख रहे हो, फुल पावर मजा आ रहा है भाई भगाने में, क्या बोले भाई। हमने गलती कर दी है, ये डेनिम जैकेट सिर्फ डाल करके आए हैं, वैसे यार स्वेटर वगैरह डाल के आना चाहिए था, नॉर्मल एक टी शर्ट डालें नीचे में, ऊपर से एक डेनिम जैकेट डालें, तो इतना ज़्यादा ठंड वगैरह लग रहा है कि क्या बोलें। हेलो कहाँ पे है, हेलो स्कूल के पास आ, ठीक ठीक आ रहे हैं। हैंडल से मेरा यहाँ पे आवाज़ आ रहा था, तो इसको जाम कराएं तो काफ़ी ज़्यादा जाम कर दिया बंदा, तो इस कारण से थोड़ा सा टाइट लग रहा है हैंडल। भाई क्या ही भाग रहा है यार भाई, आदमी लोग ड्रिंक पी लेता है तो उसको जो एनर्जी जो होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे आज मेरा बाइक के साथ हुआ है, आज इसको यार 1 लीटर ड्रिंक पिलाया, ड्रिंक का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, मोबिल पिलाए, तो इस कारण से इसका जो जुनून है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इस कारण से ये फुल पावर में चल रहा भाई। ये देख रहे हो पावर, देखो ये देखो आशीष को, हेलो। फाइनली गाइस लोकेशन पे आ चुके हैं, ये रहा आशीष का बाइक और उधर ललन का, उधर मेरा। तो आशीष जो है अपना यार टेल टाइट वगैरह हटा दिया, तो पीछे का लुक देखो क्या मस्त लग रहा है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट बाइक पे शिफ्ट होते हैं और निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं किधर को जाने का प्लानिंग वगैरह रहता है। स्पीड देख रहे हो भाई, पागल हो चुका है तो भाई है ना, आज पागल हो चुका है। दोनों बंदा पीछे में, कितना पीछे हो रखा है देखो, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, डर जाएगा, कुछ बोल नहीं रहा यार, किधर जाएगा, सीधा इधर। रेस लगाने के मूड में बंदा, ये देखो
आशीष पूरा रेस लगाने का मूड में, बट ना ना भाई नहीं जीतने देंगे। इतना आसानी से तो हार मानने वाले में से हैं नहीं भाई, क्योंकि हम नहीं जीतने देंगे। छोड़ देते, आगे बढ़ो, चलो देख रहे हो। भाई आगे बढ़ने दिए, ये नहीं बोलना कि ओवरटेक करके आगे बढ़े। अरे यार ये देखो भाई क्या सीन चल रहा है, ये देखो शेर को मत जगा भाई, शेर को मत जगा। ओहो देख रहे हो, 130 के आसपास गया बंदा, दोनों पीछे। क्या गुंडा बनेगा रे तू, R15 के सामने हम कोई बोल सकता है क्या? भाई ये देखो, इसे बोलता है ब्रिज, नीचे वाला ब्रिज यार, क्या बोले, काफी ज्यादा खराब है भाई। ये देखो ये है ब्रिज, यहाँ पे यार विल्ली वगैरह ट्राई करने का काफी मस्त एरिया है, बट घर से तो यार 10-15 किलोमीटर के आसपास, हम 15 किलोमीटर आगे आना पड़ेगा तब यार यहाँ पे विल्ली वगैरह हम लोग ट्राई कर पाएंगे। तो यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सा और यहाँ का लोकेशन आप लोग को दिखाते हैं। तो कुछ इस टाइप का लोकेशन है यहाँ पे, तो कमेंट करके बताएं यार क्या मस्त लग रहा है भाई लोकेशन, लग रहा रनवे है यार। तो ये देखो और तीनों बाइक एक साथ में खड़ा है, तो क्या सेक्सी लग रहा है। ये देखो ये छोटा सा ब्रिज और ये बड़ा ब्रिज बन रहा, बट पता नहीं कब तक तैयार होगा बन के। और इधर से यार गाड़ियाँ वगैरह क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक करते हैं जो कि आप लोग इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह नहीं किए हैं तो जाके फॉलो कर लें, RD कुंदन के नाम से इंस्टा ID है। तो फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। An hour later. तो फाइनली गाइस वीडियो वगैरह शूट हो चुका है, यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक किए और शाम भी हो चुका है ये देखो। तो अब यहाँ से निकलते हैं, घर जाने में भी तो लगभग मिनिमम आधा घंटा के आसपास तो लग ही जाएगा। नॉर्मल स्पीड में जाएंगे, इस बार खींचता हुआ नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है भाई, क्या बोले। मोई वाला रील्स बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या बोलते हो, एक हम लोग भी बना लें क्या? ये भाई किधर से आया भाई, इधर से तो नहीं आया, समझ रहे हो ना। हंस रहा बंदा देख के। तो अभी का एक बार टाइम चेक करें, 5:10 हो चुका है, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है भाई, यार इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है कि क्या बोलें। इस कारण से हम लोग नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, 50-60 के आसपास चल रहे हैं, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलेंगे। दोनों बंदा पीछे में है और ये देखो भाई क्या करता यार, वो लोग इतना ज़्यादा पीछे में है कि क्या बोलें। ये देखो भाई, तो बहुत कोई बोलता है कि लोमड़ी क्रॉस होने पर अशुभ माना जाता है, तो इस कारण से वेट कर लेते हैं भाई, आने देते हैं वो लोग को, उसके बाद से निकलेंगे आराम आराम से।